हेलो एवरीवन वन हेराई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल इट योर ओन गाइडी क्लासेज अर प्लेस वेर यू कैन इजीली गेट ऑल द इनफॉर्मेश्स रेलवेंट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो आज के वर्ड एड विकैबलरीज एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर फ्रॉम टुडे ओनली इट्स ट्वेंटी सेवंथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड सो फॉर टुडे योर फर्स्ट वर्ड वॉज अकें अकिन इज़ एन एक्जैक्टिव अकीन का मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से सिमिलर होती है कोई सिमिलार्टीज़ होती है एक दूसरे को रिजाम्बल करती है तो वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ अकीन तो इसके सनानम्स क्या हो जाएंगे अलाइक या फिर सिमिलर एंड द एंटनम्स आर डिसिमिलर या फिर अनलाइक सो इट इज़ अकीन टू सेग यू हैव अ राइट टू लाइफ बट नॉट अ राइट टू हार्ट सो दिस इज़ अ सिमिलर थिंग नेक्स्ट वर्ड इज़ एबनीशन एब्गेशन एज अ नाउन इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ रनंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग मतलब जब हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जैसे कि हम किसी चीज़ को रेनास करते हैं उसे छोड़ते हैं रिजेक्ट करते हैं रिफ्यूज़ करते हैं टू एक्सेप्ट दैट थिंग तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे फॉरबियरेंस या फिर रिफ्यूजल एंटोनिम्स आर अप्रूवल या फिर सेंक्शन सो पीपल आर केपेबल ऑफ लोग हैं देर केपेबल ऑफ रिजेक्टिंग द थिंग्स एंड फॉर अन सेल्फिशनेस नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज वाटर डाउन वाटर डाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रिड्यूस करना कम करना एंड ऑल्टर सो एज टू बी वीकर इन फोर्स कंटेंट और वैल्यू ठीक है किसी तरीके को इस तरी मतलब किसी भी चीज़ को इस तरीके से ऑल्टर करना सो दैट इट कुड भी वीकर डाउन इन फोर्स कंटेंट और वैल्यू नेक्स्ट वर्ड इज एल बी एल बी इज़ अ नाउन बेसिकली और टर्म एज अ टर्म हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है स्टेटमेंट बाय साम्बडी दैट सेस यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस एट द टाइम ऑफ अ क्राइम एंड सो कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ द क्राइम कई बार क्या होता है एक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कोई भी ऐसा प्रूफ जो कि ये साबित करता हूँ एक्जैक्टली exactly, कि क्राइम सीन पे क्राइम टाइम पे आप उस जगह क्राइम सीन पे ना हो के कि किसी और जगह पे थे ताकि वो स्टेटमेंट या वो प्रूफ आपको एग्जैक्टली इनोसेंट प्रूफ कर दे और आप का जो अंदर का गिल्ट कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर um, लॉफुली आपको गिल्ट में ना लाए या फिर आपको गिल्टी प्रूफ ना करे तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपको इनोसेंट प्रूफ करे जो ये प्रूफ करे दैट यू वर नॉट ऑन द क्राइम सीन एट द टाइम ऑफ क्राइम नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी ब्रेविटी इज़ नाउन ब्रेविटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट और क्विक ठीक है मतलब शॉर्ट और क्विक होना जल्दी से किसी चीज़ को कंप्लीट करना सो स्नम्स क्या हो जाएंगे इसके क्रिस्पनेस या फिर इकोनमी एंड इज़ लॉन्जिविटी सो आई लाइक द ब्रेविटी ऑफ दिस रिव्यू दैट दिस रिव्यू काम केम वेरी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और वेरी क्विकली नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैशनेट डिस्पैशनेट इज एन एग्जैक्ट इसका मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस बाई स्ट्रोंग इमोशन एंड सो टू बी रैशनल एंड इम्पार्शल जब हम बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ठीक है एंड वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दी स्ट्रांग इमोशंस एट ऑल जब हमें कोई किसी भी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन अफ्रैक्ट ना करें एंड वी आर एबल टू बी वेरी रैशनल और इम्पार्शल इन ईच वे राइट तो इसके सनॉन्म्स क्या हो जाएंगे एब्रैक्ट या फिर अलॉफ़ एंड एंडम्स आर एक्साइटेड या फिर मूव सो शी डेल्ड अवर लाइफ्स डिजास्टर्स इन अ काम दिस पैशनेट वे कि लाइफ के जितने भी डिजास्टर है शी इज एक्चुअली फीस सिंगी फेस डैम विद पैशनेट वे नेक्स्ट वर्ड जेंडर डेंडर जेंडर इज वर्ब इसका मतलब होता है कॉज और गिव राइज टू फीलिंग सिचुएशन और कंडीशन किसी भी फीलिंग को सिचुएशन को या कंडीशन को राइज करना उसे क्रिएट करना उसे बढ़ाना सो so, इसके सनॉनम्स क्या हो जाएंगे बिगैट या फिर इंड्यूस Antonyms are halt या फिर ruin, so the issue engendered continuing controversy कि ये जो issue है इसकी वजह से controversy है वो continue बढ़ते जा रही है. Next word is 'vamii', 'vamii' is a noun, इसका मतलब होता है an event with a powerful and unpleasant effect. कोई भी ऐसा event या कोई भी ऐसा cause जिसकी वजह से powerfully कोई evil चीज हो रही है, कोई unpleasant effect जिसकी वजह से arise हो रहा है. सो अ ब्लो काइंड ऑफ थिंग इज वॉट वी कॉल वेमी सो इसके से नॉर्म्स क्या हो जाएंगे चाम स्पेल भी हम बोल सकते हैं एंड द एंड सो द थिंग विच ब्रिंग्स गुड लक एंड वेमी इज ऑल अबाउट द थिंग विच ब्रिंग्स बैड लक और एवर थिंग्स सो द यूज ऑफ द वर्ड इज़ द थर्ड वेमी वॉज द डीग्रेडेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कि जो थर्ड वेमी है उसकी वजह से वॉट हैपन्ड the degradation of the financial system next we have a word that is trail trail is a noun trail ka matlab hota hai a track sign or smell that is left behind and that you follow when you are hunting somebody or something jab aap kisi cheez ka ya kisi insaan ka peecha kar rahe hote ho kisi animal ka peecha kar rahe hote ho तो आप किस चीज़ को follow करते हो एक track को follow करते हो एक sign को follow करते हो जो कि which were left behind by that By that person or by that thing or the animal या फिर कोई भी ऐसी smell जिसको हम पीछा करके पकड़ सकते हैं उस चीज को या फिर इंसान तो that track or sign or smell is what we call trail. So उसके synonyms क्या हो जाएंगे trace करना या फिर stream and the antonyms are lead या फिर guide. So the dogs ran off on the trail of the fox. कि dogs हैं वो किसके पीछे जा रहे हैं fox के जो signs छोड़े हुए हैं पीछे उसके पीछे सो दीज आर दर्ज फॉर टू डे थैंक यू सो मच स्टे कंटिन्यू विद गार्डी क्लासेज एंड अगर आपकी सेशन की पी डी एफ आईल चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है थैंक यू